कहानी के शुरू में हम एक आलीशान मकान देखते हैं जहाँ हमारी हीरोइन अंचुशिया प्रिंसेस की तरह चल के आ रही होती है। जैसी लाइफ उसे मिली है वैसी लाइफ हर लड़की का सपना होता है, पर उसके लिए ये लाइफ कोई ड्रीम नहीं बल्कि नाइटमेयर की तरह है। दो दिन पहले भी बस्ती के एक छोटे से घर में वो अपने मॉम के साथ रहती थी, जहाँ पे हर वक्त पैसों की प्रॉब्लम लगी रहती थी। कभी कभी उसके मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से उसके मॉम की तरफ से उसे डिलीवर करने जाना पड़ता था। पता नहीं शिया इतनी अजीब तरीके से क्यों सजी हुई है। कुछ लड़कियाँ उसे थ्रेट करने आती है और वो भी शिया की तरह सजी होती है। थोड़ी देर बाद ये आके शिया को प्रोटेक्ट करता है, उसे इन सब के बीच में से जाने में हेल्प करता है। इसका नाम फेंग शाओ है। वो इसे शिया को आगे से परेशान करने से मना करता है। वह हमारे जीनियस हीरो हन शी लू कैफे में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। उस कैफे में ही बहुत टाइम से ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। इसकी बदतमीजी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि हन को ना चाहते हुए भी प्रोटेस्ट करने आना पड़ता है। हन उसे फिजिक्स में ज्ञान देने लगता है तो ये बंदा परेशान हो जाता है और हन को चाकू दिखाने लगता है। हन को आ जाता है गुस्सा और वो उसे धक्का मार के बाहर फेंक देता है। शिया भी वहीं से आ रही थी तो दोनों टकरा जाते हैं और शिया की सारी डिलीवर के दूध बिखर जाते हैं जमीन पे। अब इस बंदे ने शिया की इतनी बड़ी नुकसान किया था तो शिया को तो इससे भरपाई मांगनी ही थी ना। हन के बाहर आते ही ये बंदा हन की तरफ हाथ दिखा के कहता है इसने उसे फेंक दिया था बाहर, तो उसको भरपाई भी उससे ही मांगनी चाहिए। शिया भी तब हन के पास जाती है अपना भरपाई मांगने के लिए, पर हन तो जैसे उसकी बातों को केयर ही नहीं करता। ऐसे में कैन के ऊपर पैर रखने की वजह से शिया हन के ऊपर गिरने लगती है और इसी तरह से शिया की जो लकी पेंडेंट थी वो हन के बैग में जाके पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गलती से दोनों के बीच किस भी हो जाती है। फिर दोनों ऐसे अपने मुंह को पोंछने लगते हैं जैसे कोई गंदगी लगी हो उनके होठों पे। हन तो शिया को कंपनसेशन ना दे के ही चला जाता है। फिर उसकी तरफ से उसका दोस्त पूरा का पूरा कंपनसेशन दे के जाता है, या फिर कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा ही दे जाता है। शिया को अपनी पेंडेंट नहीं मिल रही थी तो उसे अचानक से ख्याल आता है कि उसका पेंडेंट हन के बैग में चला गया था, पर हन तो ऑलरेडी निकल चुका होता है। फिर शिया भी उस पेंडेंट के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर हमें ये स्कूल बस दिखाया जाता है। इस बस में हन और उसका दोस्त भी जाने वाला था पर वो लोग अलग से जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है शिया जो दूध का कैन डिलीवर करने जा रही थी वो इन स्टूडेंट्स के लिए ही था। इन्हें अभी तक अपना दूध का कैन नहीं मिला था तो वो सब टीचर से कंप्लेन करने लगते हैं। फिर स्कूल की तरफ से शिया की मॉम को फोन आता है वो ऑर्डर जल्दी से डिलीवर करने के लिए। बेचारी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे ही बाहर निकल जाती है। रास्ते में स्कूल बस को हाईजैक कर लिया जाता है। हन की गाड़ी को आते हुए देख वो लोग उन्हें भी बस में उठने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि शिया भी हन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी थी तो वो लोग शिया को भी बस में उठा लेते हैं। शिया इन्हें पुलिस में कॉल करने के लिए कहती है पर वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं होता। फिर हन का दोस्त शिया से कहता है अगर वो पुलिस को कॉल करके इन सबको बाहर निकालेगी तो वो उसे 1.1 मिलियन देगा। शिया को इन सब झमेले में नहीं पड़ना था। वैसे भी वो स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी, उसे बस अपना पेंडेंट लेके यहाँ से चले जाना था। फिर हन कहता है अगर वो इस सिचुएशन से बाहर जा सकती है तो जाए। शिया की मॉम इतनी ज्यादा परेशान थी कि कब ग्रीन सिग्नल से रेड सिग्नल हो जाती है उन्हें वो भी ख्याल नहीं रहता और बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर फेंग शाओ उसे हॉस्पिटल लेके आता है। वहाँ ये लोग इन सबको यहाँ पे लाके खड़ा कर देते हैं। वो सब इनसे पैसे मांगते हैं और स्टूडेंट्स भी पैसे देने के लिए तैयार थे। हन को इनकी आवाज कुछ जाना पहचाना सा लगता है पर वो श्योर भी नहीं था। शिया इनसे अपने आप को डिलीवरी गर्ल बताते हुए उनका परमिशन लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से शिया को हन के दोस्त का दिए हुए ऑफर का याद आ जाता है। हन के बैग से पेंडेंट लेने के बहाने वो उनसे परमिशन लेके हन को अलग से यहाँ पे लेके आती है। शिया हन से पूछती है क्या उसके दोस्त ने सच कहा था कि अगर वो इन गुंडे को पुलिस के हवाले कर देगी तो क्या सच में उसे उतने पैसे मिलेंगे।
हन कहता है ऑफ कोर्स, वो तो शिया को अपना बैंक डिटेल्स भी दे देता है। शिया ने सोचा था कि वो बेहोश होने का नाटक करेगी और ऐसे में एक गुंडे को वो अपने काबू में कर लेगी और बाकी सबको भाग जाने के लिए कहेगी, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो गलती से हन का हाथ पकड़ के खींचती है और उसे काबू में करने की कोशिश करती है। वहाँ डर के मारे इनकी जान निकल रही थी और यहाँ पे ये फोन रिसीव करते वक्त अपना असली नाम ले लेते हैं। फिर इन सबको पता चल जाता है कि ये सब उनके टीचर का काम था। एक्चुअली इसके द्वारा प्रिंसिपल सर इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे थे। वैसे सीरियस कुछ हुआ तो नहीं था, पर फिर भी सभी शिया को दोष देने लगते हैं। अब भला काम हो या ना हो, पर शिया ने हिम्मत तो दिखाई थी ना, तो उसे अपना इनाम भी चाहिए था। अब जिसने बचाने के बदले और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दिया हो, उसके लिए भला कैसा इनाम। पर शिया को ये बेमानी लग रही थी, प्रॉमिस तोड़ना लग रहा था। वह फेंग शाओ हॉस्पिटल से शिया को फोन पर ट्राई करते ही जाता है, पर उसे नहीं मिलता। उसी हॉस्पिटल में हन की मॉम भी आई हुई थी। दरअसल शिया की मॉम मरने के बाद अपनी किडनी डोनेट करने वाली थी और हन के पापा के लिए भी एक किडनी की जरूरत थी। शिया की मॉम मरने वाली है सुन के हन की मॉम यहाँ पे आई थी। शिया की मॉम अभी तक जिंदा थी और हन की मॉम की ऐसी बात करना फेंग शाओ को बहुत गुस्सा दिलाती है। वो हन की मॉम के ऊपर चढ़ने लगता है। आखिरकार शिया का फोन लगता है और फेंग शाओ उसे सब बताता है। एक तरफ शिया थी जिसे अपने मॉम की खबर से शॉक मिलता है और एक तरफ हन था जिसे अपने पापा का किडनी का बंदोबस्त हो गया है सुन के बहुत खुशी मिलती है। हन का मूड अभी अच्छा था तो वो शिया को इनाम के नाम पे भीख देना चाहता था। शिया वैसे ही परेशान थी और ऊपर से हन की ऐसी बातें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वो हन को एक मुक्का मार देती है। हन की मॉम जब शिया की मॉम से मिलने आती है तब शिया की मॉम उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि जब तक शिया ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छे घर में शादी करके चली ना जाए तब तक वो उसका ख्याल रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। वो शिया की आदतों के बारे में, उसे क्या क्या चीज़ पसंद है, क्या क्या चीज़ों से उसे दिक्कत है, वो सब बोलते बोलते रोने लगती है। एक माँ होके हन की मॉम शिया की मॉम का दर्द समझ रही थी। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो शिया को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। हन अपने पापा को देखने हॉस्पिटल चला आता है। उसके बाद ही शिया भी अपने मॉम को देखने के लिए चली आती है। उसे उसके मॉम के किडनी डोनेशन के बारे में बताया जाता है। शिया कौन है जान के हन की मॉम उससे बात करने जाती है। शिया आखिरी बार के लिए अपने मॉम से नहीं मिल पाई थी, इसके लिए वो हन को दोष देने लगती है, उसे जिम्मेदार ठहराती है। शिया के मॉम को जब लाया जाता है तब शिया टूट पड़ती है। इस दुनिया में उसके मॉम के अलावा उसका और कोई भी नहीं था। तब हन की मॉम उसके पास जाके कहती है आज से वो उसकी मॉम है, वो उसका ख्याल रखेंगी। हन की मॉम शिया को उसके मॉम की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताती है। हन ने शिया के दोस्त के हाथों से उसके लिए चेक भेजा था, पर शिया को उसके पैसों की जरूरत नहीं थी। वो उसके चेक को फाड़ देती है। वो हन के घर इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम की ये आखिरी ख्वाहिश थी। वो अपनी मॉम की आत्मा को शांति देना चाहती थी। उसकी मॉम चाहती थी वो पढ़ लिख के बड़ी हो। वो अपने मॉम की इसी ख्वाहिश को पूरी करना चाहती थी। वो इस ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि उसे अच्छे से जीना है। अगले दिन हन को उसकी मॉम से पता चलता है कि शिया उसी के घर रहने वाली है अब से। इतना कुछ हो जाने के बाद हन शिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ऊपर से उसका उसके घर पे रहना, ये तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह शिया की मकान मालकिन का घर जल जाने की वजह से वो शिया को उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो उसे घर से निकाल देना चाहती थी और वो शिया को उनका कर्ज चुका देने के लिए भी कहती है, पर उन्हें नहीं पता था कि शिया की किस्मत अब उसे कहाँ ले जाने वाली है। वह शिया के आने के लिए घर को सजाया जा रहा था। हन की मॉम शिया को बताती हुई आ रही थी कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बोल दिया करे, पर वो जिसे ये सब बताते हुए आ रही थी वो तो बहुत पीछे रह गई थी। फिर तो हन की मॉम ही उसे पकड़ के अंदर ले जाने लगती है। बाद में हन शिया के कमरे में आता है ये बोलने के लिए कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो ले सकती है उससे, पर वो ये घर छोड़ के चली जाए। पर शिया कहती है वो यहाँ पे शौक से नहीं रह रही है, वो अपने मॉम के आखिरी ख्वाहिश के लिए यहाँ पे रह रही है। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसे मौका मिलेगा तो वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएगी। रात में शिया चुपके से हन के कमरे में आती है अपना पेंडेंट लेने, पर नींद के अंदर हन शिया को पकड़ने लगता है और ऐसे में ही दोनों के बीच फिर से किस हो जाती है। फिर दोनों ही घबरा जाते हैं।
हन के कुछ बोलने से पहले ही शिया वो पेंडेंट लेके भाग जाती है। अब यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पेंडेंट ले पाती है या नहीं। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे हन को पता चलता है शिया भी उसी के स्कूल में एडमिट होने वाली है। अब हन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो चाहता था शिया को किसी और ऑर्डिनरी स्कूल में भर्ती किया जाए। हन की मॉम कहती है शिया को वो अपनी फैमिली मेंबर के तौर पे उस स्कूल में दाखिल करवा रही है। हन कहता है अगर ऐसा होगा तो उसके दोस्त उससे पूछने लगेंगे कि रातों रात उसकी बहन कहाँ से पैदा हो गई। तब हन की मॉम कहती है इसीलिए वो शिया को उसकी होने वाली पत्नी के तौर पे एडमिट करवा रही है, जिसे सुन के शिया के मुंह से पानी निकल के हन के मुंह पे जाके पड़ती है। हन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तब हन की मॉम कहती है उसने जो ऑनलाइन पे टेलीस्कोप ऑर्डर किया था वो उसे रिटर्न कर देगी। तब तो बेचारे हन को राजी होना ही पड़ता है। फिर दोनों एक साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं।